guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Well, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं एक्ने, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कौन से प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन के लिए, बट सबको रिस्पॉन्स करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ एक मिनी रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगे हैं, जो कि मैंने 2022 में यूज की हैं। बट ये सिर्फ एक्टिव्स हैं, मैंने एक्सफोलिएटर्स इसमें ऐड नहीं किए हैं। जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं ना, हम उसको डेली यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक आप रेटिनॉल, एसिलिक एसिड एंड EHA, दीज आर रियली इफेक्टिव फॉर पिगमेंटेशन एज वेल। तो मैं आपके साथ एक स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी कुछ टाइम के बाद, जो कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्ने, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन के लिए, बट आप इसको डेली यूज नहीं कर सकते हो। बेसिकली आज की वीडियो में आपके साथ सिर्फ एक्टिव्स शेयर करने वाली हूँ जो आप डेली यूज कर सकते हो पिगमेंटेशन के लिए एंड डार्क स्पॉट्स के लिए। सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहला एक्टिव है नियासिनामाइड। आई गेस सबको पता होगा नियासिनामाइड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने, एक्ने मार्क्स के लिए। इवन एक्ने को प्रिवेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बट ये पिगमेंटेशन के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। लाइक इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, बट एक्ने मार्क्स के लिए इट्स रियली रियली इफेक्टिव। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव है नियासिनामाइड। उससे मेरे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स रिड्यूस हो चुके हैं। मैंने 2 साल पहले भी यूज़ किया था जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने थे, एंड इस टाइम पे भी मैंने नियासिनामाइड ही यूज किया था। विदिन 3 और 4 मंथ्स में मेरे एक्ने मार्क्स रिड्यूस हो गए। इवन मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी सजेस्ट किया था नियासिनामाइड एक्ने मार्क्स के लिए, एंड मैंने उनका भी लाइव रिजल्ट देखा था कि उनके जो एक्ने मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे विदिन 3 मंथ। एंड रिसेंट में मुझे कुछ नियासिनामाइड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी ट्राई कर रही हूँ। सो ये है ऑर्डिनरी का 10% नियासिनामाइड एंड दिस वन है सुगंधा का 5% नियासिनामाइड। बोथ आर रियली इफेक्टिव फॉर एक्ने मार्क्स। पिगमेंटेशन के लिए आई गेस आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट एक्ने मार्क्स के लिए इट्स रियली रियली इफेक्टिव। एंड अगर आपको डार्क स्पॉट्स भी हैं थोड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं है, तभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैं मिनिमलिस्ट का 10% नियासिनामाइड भी ट्राई कर रही हूँ, तो इसका रिव्यू मैं कुछ टाइम के बाद आपके पास शेयर करूँगी। बट दीज आर रियली इफेक्टिव। आप इसमें से कोई भी नियासिनामाइड ट्राई कर सकते हो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आइदर आपको स्टबर्न एक्ने मार्क्स, आइदर डार्क स्पॉट्स हैं। तो पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा टाइम। एंड नेक्स्ट एक्टिव इज विटामिन सी। यस, विटामिन सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने मार्क्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंड मैंने जो अभी रिसेंटली में जो यूज़ की है विटामिन सी, सो दीज आर द विटामिन सी जो मैंने अभी रिसेंटली में यूज़ की है, मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे हैं। बिल्कुल भी स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं है। सो दीज आर द डिटॉक्सी विटामिन सी, एंड ये बिगनर फ्रेंडली भी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंड इज डीकंस्ट्रक्ट का विटामिन सी। ये भी बहुत इफेक्टिव है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। एंड मिनिमलिस्ट का विटामिन सी, ये 16% है एंड डीकंस्ट्रक्ट वन इज 10%। तो अगर आपने कभी भी विटामिन सी यूज़ नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डीकंस्ट्रक्ट का विटामिन सी ट्राई करो फॉर एक्ने मार्क्स। एंड आप डार्क स्पॉट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगेन अगर आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप अपनी स्किन के रूटीन में इसको ऐड कर सकते हो। अपने मॉर्निंग स्किन के रूटीन में, आइदर अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में भी इसको ऐड कर सकते हो। एंड अब मैं बात करने वाली हूँ अगर आपको स्टबर्न, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, आइदर हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अल्फा आर्ब्यूटिन, आइदर ट्रानेक्सामिक एसिड। एंड रिसेंटली में मैंने जो ट्राई किया है वो है इंसाइडिन का अल्फा आर्ब्यूटिन। इट्स रियली गुड एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड इसका टेक्सचर नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी है। एंड पर्सनली आई रियली लाइक दिस, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा है। इवन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तभी आप इसको यूज़ कर सकते। एंड सेकेंड सीरम जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स के लिए, और डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम, जिसमें 5% नियासिनामाइड है एंड 2% अल्फा आर्ब्यूटिन है। हाईली रेकमेंड। अगर आपको एक्ने, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स है, कुछ भी है, ट्राई इट, यू वॉन्ट रिग्रेट। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड एक्चुअली वो एम्प्टी हो गया था, देन मैंने उसको कहीं रख दिया है तो मुझे मिल नहीं रहा था। एंड इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू किया है, तो आप वो रिव्यू भी चेक कर सकते हो। पर्सनली आई रियली लाइक दिस सीरम। लाइक डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अगर आपको सच में पिगमेंटेशन है। I have this Repsolica Glow Serum and it's really effective अगर आपको एक्ने मार्क्स, आइदर डार्क स्पॉट्स है। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा है, बट माइट बी अगर आपको कैप्रिलिक ट्राई ग्लिसराइड सूट नहीं करता है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो डोंट ट्राई दिस वन, बट पर्सनली इट्स रियली इफेक्टिव फॉर एक्ने मार्क्स। मैंने इसको कंटिन्यूस 1 मंथ तक यूज़ किया था एंड आप मेरा रिव्यू भी देख सकते हो, मैंने डिटेल में रिव्यू किया है। सो गो एंड चेक दैट वीडियो। पर्सनली आई रियली लाइक दिस, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसमें नियासिनामाइड भी है एंड अगर आपको नियासिनामाइड सूट करता है तो ट्राई इट, यू वॉन्ट रिग्रेट। एंड ट्रेनेक्सामिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए। एंड अगर आप पे नियासिनामाइड आइदर अल्फा आर्बिटिन वर्क नहीं कर रहा है तो आप लास्ट ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, ट्रेनेक्सामिक एसिड। एंड मैं इसको काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, पिलग्रिम का स्क्वेलिन ग्लो क्रीम सीरम, एंड इट डिडंट वर्क फॉर मी। आई मीन जब मैं इसको यूज़ कर रही थी, नेक्स्ट डे मुझे थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स आइदर वाइट हेड्स हो रहे थे। सो माइट बी मेरी स्किन टाइप के लिए सूट नहीं कर रहा है एंड माई स्किन टाइप इज ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। तो मैंने अपनी दीदी को ट्राई करने के लिए दिया। शी हैज़ ड्राई और नॉर्मल स्किन टाइप, बहुत नॉर्मल है, मतलब उसको बहुत हार्डली एक्ने होते हैं, मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल से उसको एक्ने होते ही नहीं है। कोई प्रोडक्ट बहुत ही रेयर उसको रिएक्ट करता है। तो मैंने उसको दिया ट्राई करने के लिए, तो उसको कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ। इवन उसको थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन थी फोरहेड पे, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ी बहुत उनकी जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हुए। सो आई कैन से इट्स रियली इफेक्टिव अगर आपको पिगमेंटेशन है तो। बट अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है, आइदर आपको फंगल एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, सो डोंट ट्राई दिस वन। आई मीन आई एम नॉट श्योर कि ये एक्ने प्रॉन के लिए इतना इफेक्टिव है या नहीं। एंड अगर आपने ट्राई किया है तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस। पर्सनली मैं इसको रिपर्चेज भी नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया इसको, बट ओवरऑल अगर आप अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इट्स रियली रियली मॉइस्चराइजिंग। नाइट टाइम में आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ सनस्क्रीन। एंड लास्ट जो सीरम है ना, वो मेरा करंट फेवरेट है, सच में इतना ज़्यादा इफेक्टिव है एंड आपने ही मुझे रेकमेंड किया था एंड सीरियसली थैंक यू सो मच। एंड आई हैव दिस बीप्लेन का मल्टी वाइटामिन एम्प्यूल एंड इसकी प्राइस थोड़ी सी हायर है, लाइक इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव, बट आपको ये ईजिली डिस्काउंट में मिल जाएगा। मुझे ये आई गेस 1100 रुपीज़ का पड़ा था, बट ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइक मुझे ये बहुत जल्दी विदिन 2 और 3 डेज में इसका इफेक्ट दिख रहा था, लाइक ग्लोइंग इफेक्ट। और इससे थोड़ी बहुत जो मेरी जो स्टबर्न एक्ने मार्क्स थे वो मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिव्स हैं। लाइक इसमें एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड भी है, मीन्स विटामिन सी, इसमें अल्फा आर्बिटिन भी है, इसमें ट्रानेक्सामिक एसिड भी है एंड 5% नियासिनामाइड भी है, मीन्स इतने सारे एक्टिव्स। बट अगर आपने इसके पहले कोई भी एक्टिव्स यूज़ नहीं किए हैं तो डोंट ट्राई दिस वन, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एक्टिव आप पे वर्क नहीं कर रहा है। सो बेसिकली अगर आपकी स्किन यूज टू है एक्टिव से, ट्राई दिस, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये इतना ज़्यादा लाइट वेट भी है ना, मीन्स अगर मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही थी ऐसा लग रहा था मैंने कुछ भी यूज़ आइदर अप्लाई नहीं किया है। ये इफेक्टिव भी है एंड अगर आप सच में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर दिस एम्प्यूल, ट्राई दिस, यू वॉन्ट रिग्रेट, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स के लिए। वेल दीज आर माई रिकमेंडेशन फॉर एक्ने, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन के लिए, जिसको मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई भी किया है एंड जो मेरे पे सूट नहीं किया है, वर्क किया है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा मैं ट्राई करने वाली हूँ कॉन्शियस केमिस्ट का पिगमेंटेशन वाला क्रीम और सीरम। आई डोंट नो उसका टेक्स्चर कैसा है, बट उसमें कोजिक एसिड है एंड येस, कोजिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है पिगमेंटेशन के लिए एंड डार्क स्पॉट्स के लिए। एंड आप सजेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा सीरम पता है जिसमें कोजिक एसिड कंटेन है, क्योंकि कोजिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ येस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सी यू नेक्स्ट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।